मैं तुम्हारे सामने ब्लॉग शर्मा। आज है जुमा, आप सभी को जुमा मुबारक। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और मेरे बेटे का आया है पार्सल मीशो से, जो मैंने मंगाया है इनके लिए डेनिम। तो चलिए देखते हैं हम। आज अधम के लिए आ गया है न्यू ड्रेस। एक मैंने पहले भी मंगाया था मीशो से, ये डेनिम जो कि बहुत अच्छा था, अजमेर शरीफ में पहला पार्सल था, बहुत खुश होता है। और अभी मैंने इसीलिए दूसरा डेनिम मंगाया है इनके लिए, कंफर्टेबल था, उससे अच्छी क्वालिटी है। तो दिखाने तो दो, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी जो मैंने पहले मंगाया था उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का ना, ऐसा ऐसा टच करने में लग रहा है ना, ऐसा जैसे वेलवेट टाइप है, एकदम स्मूथ, फुली इलास्टिक है। अरे हम यहाँ पे पॉकेट नहीं है, पॉकेट की डिज़ाइन दिया है, पॉकेट नहीं है, और बिना है जिराफ। ये है इधर बच्चा पजामा, ये ऐसे पहनने का कैफरी हो जाएगी अरम की। और ये है इनका टी शर्ट, शर्ट है शर्ट। हम जाएंगे, कहीं जाने वाले हैं, तो ये इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है। पहले बना लो, हम लोग चलेंगे इंशाल्लाह। इधर हाँ, इधर इधर यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं। तो ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, किसी को हर साइज के बच्चे के लिए अवेलेबल है। क्यों गंदा कर रहा हूँ, ज़रूर मंगाया। इस तरह से चाइनीज़ कॉलर है, मैंने मंगाया 24 नंबर का है, 5 से 6 साल के लिए। तो ये हाफ स्लीव मिल जाएगी छोटू की, और यहाँ पे ये पॉकेट नहीं है, ये भी सिर्फ डिज़ाइन है, पॉकेट यहाँ पे है जिस पे लिखा है आई डोंट केयर। क्या आई डोंट केयर, इधर आके बोलो, यहाँ आके बोलिए, पीछे से आके बोलिए, नहीं बोलेगा, बोलो आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, पूरा फिर अब बोलो आई डोंट केयर। आई डोंट केयर, मेरा पुन्नू बेबी है, ये मेरा पुन्नू बेबी है, ये मेरा चुन्नू बेबी है। आप पीछे से बिल्कुल ऐसा है, शर्ट जैसी रहती है ना, बिल्कुल ऐसी है। अरे हम जाओ, पूरा पूरा कैमरे में घुस जाता है ये लड़का। कपड़ा बहुत अच्छा, पिछली बार जो मैंने मंगाया था उसके आगे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, लग ही नहीं सकता। और ये सिर्फ 309 रुपये में, वुडन का बटन है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन कपड़ा है। जिनको मंगाना है जाके मंगा लें, कोड जिसको चाहिए कॉमेंट करके पूछ लो, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। तो आज हम बनाएंगे, आप लोगों ने इससे पहले मेरी बर्तन की शॉपिंग वाला ब्लॉग देखा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। वो इसलिए बताया क्योंकि उसमें मैंने ना ग्रेटर भी जो था ग्रेट करने का वो भी दे दिया, बहुत पुराना था, तो अभी नया मंगाएंगे। जीव शेयर पर बहुत ज़्यादा सस्ता, और ऐसा एक ही में हर तरह का ग्रेट करने का है, तो वो वाला लौकी का हलवा बनाने वाले थे तो वो तो कैंसिल हो गया, नहीं बन पाएगा क्योंकि ग्रेट नहीं होगा। और ये बेइंतहा गर्मी है, बारिश ढंग से नहीं हो रही है, बारिश के बाद धूप हो रही है, फिर हवा बंद हो रही है, अजीब सा। आराम, आज मेरा मेकअप करने वाला है। थैंक यू। वाह कितना अच्छा हेयर बनाया आराम ने, माशाल्लाह बहुत प्यारा। मम्मा तो एकदम ब्यूटीफुल हो गई। ये देखो मम्मा ब्यूटीफुल, आराम ने बिंदी भी लगा दिया, पर नहीं स्केच से नहीं, दिखा दो। आराम ने मुझे मेहंदी लगाने जा रहे थे, तो आराम ने ये मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है बच्चे ने। स्केच से नहीं लगाते बेबी, क्रेयॉन कलर से कोई मेहंदी लगाता है। तो फ्रेंड्स आ गए हम छत पे, अभी हम बनाने वाले थे मटन कोरमा। सडनली मेरे दिमाग में आया जब कोकोनट घर में है तो उसका कुछ बनाया जाए, तो मैं बनाऊंगी आज केरला स्टाइल मटन करी, जिसके लिए हम लेने आ गए हैं करी पत्ता। तो ले लेते हैं करी पत्ता। तो हम यहाँ से पूरा ऐसे
जो अच्छी अच्छी है ना। फ्रेंड्स, आपने मेरे मिनी ब्लॉग में तो देखा था, मैंने किचन पूरा साफ कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा डब्बा देने के लिए रखा हुआ है। तंदूर गैस तंदूर नीचे कर दिया। ये इडली मेकर जो लेके आए थे यही अगन से, ये वाले डब्बा में ना बड़ा मसला होने लगा था। वैसे तो ठीक है, फिर भी ठीक नहीं, तो मैंने इसको अंदर से सारा निकाल के नमकीन भर दिया। और यहाँ से सारा गायब हो गया, खाली हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये अलमीरा लिया था तो इसमें रख दिए सारा बर्तन। डेली वाला आने, मतलब कोई आया गया, वो सब इस पे रख दिया। तो देख सकते हो पूरा इधर डेली वाले ये सारे, इसमें जो भगोने वगैरह ऊपर रहते थे ना, वो सब भी। और इसको मैंने ग्रॉसरी का था ही, तो ये फुल ग्रॉसरी का पूरा कर दिया इसको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलिएगा। और आ गए किचन के अंदर, तो कल बारिश हो रही थी, इस वजह से ये डब्बा जहाँ जाते हैं खाना देने शाम को जुमराज जुमा, तो उनको नहीं दे पाए थे। तो अभी चलिए बनाते हैं करी पत्ता। यहाँ पे मैंने दो डंडी लिया हुआ है, और किसने बना अभी ना, मैं इसको ना जो मटन है उसको ना कुकर में बॉईल करेंगे, और पूरा कोरमे की ग्रेवी कढ़ाई में जाएगी। मेरी कढ़ाई भी है, उसमें बना रहे हैं। और चलो पहले यहाँ का जो बर्तन है समेट देते हैं, रख देते हैं पोछ के। काम थोड़ा बढ़ गया क्योंकि फिर उसको पोछना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। लेकिन ये है कि इस किचन में स्पेस थोड़ा सा हो गया, ऐसे ना जो भाप उठती है ना, वेंटिलेशन थोड़ा सा कम है, तो वो ना सब उस पर बैठता है ना, उसे चिट चिट करने लगता है, तो इससे वो बचत हो गई। और मैं बता दूँ, ये जो मैंने लिया है बर्तन जो लिया है, वो यहियागंज के होलसेल मार्केट से लिया है। ये वाला जो स्टैंड है शहादतगंज चौराहा, शहादतगंज नखास चौराहा जो 99 के मार्केट है वहाँ से लिया है। और ये वाले ऊपर वाले डब्बे भी 99 वाले मार्केट से मिल गए हैं। 99 में चार का डब्बा मिल जा रहा है, क्वालिटी वाइज ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, ठीक है, है ना। और मेरा ये फेवरेट फेंचुरा का डोसा तवा नॉन स्टिक की, जिसपे आज मैंने बेसन का चिल्ला है मस्त बनाया, एकदम छनाटेदार। तो संडे को बनाऊंगी डोसा मसाला, तो वो वाला व्लॉग भी देखिएगा। वेट कोई याद कर रहा है उनको बता देते। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये बाउल ले लिया, जिसमें हम लेंगे ऐसा कोकोनट लेंगे, क्योंकि केरला की डिश बनेगी तो उसमें कोकोनट का होना बेहद ज़रूरी है। तो अभी इसमें जितना है मेजरमेंट, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें कोकोनट लेना है, तो इतना काफ़ी है क्योंकि भर जाएगा बिल्कुल। इसको छोटा छोटा काटेंगे, क्योंकि जो ना इसका बनना है ग्राइंड करना है। कि यहाँ पे इतना हो गया है, अब इसको सीधा ले लेंगे और हम की टिफिन इधर उधर रखते हैं। अच्छा, जो स्टील वाला जग था वो भी हटा दिया, तो इसको निकालिए, रखने का कोई फायदा नहीं है। यूज़ करो फिर ख़राब हो, फिर कुछ दूसरा ले लो, ठीक है। और ये इसको भी वॉश कर लेंगे। मैंने गोश्त रख दिया, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट कूट के डाल दिया है, और थोड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया, अब सीटी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना कोकोनट का ग्रेट वो है, तो ये ज़्यादा इसका थोड़ा सा दूध भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कप लिया है मैंने, और यहाँ से ले लेंगे चाय छन्नी, इसमें रखना है। और जब भी आपको कोकोनट का मिल्क चाहिए, ऐसे आप कोकोनट ले करके उसको पतला ग्राइंड कर लें, इस तरह से डालें, इस तरह से दबा दबा के ऐसे। ये देखिए कोकोनट मिल्क, घर में भी आप निकाल सकते हैं, बाहर इतना महंगा मिलता है, आप घर में भी निकाल सकते हो।
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ये भी कढ़ाई न्यू थी, ये एक लिया था मीडियम साइज, इससे बड़ी ये वाली, इसमें बनेगा हलवा क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं बनाया है। इसमें सबसे पहले चोखा बन गया था, है ना, तो ये है इसका स्पेशल। अब इसका बनाएंगे हम बरिस्ता। फ्रेंड्स, यहाँ पे बरिस्ता बन के रेडी हो गया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा क्रंची क्रंची हो जाएगा, तो इसको ना आधा ग्राइंड करेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे। क्यों बचाएंगे वो आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा आपको, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यहाँ पे देखो इसका मिल के निकल गया, ये जो मुझे ग्रेवी में डालना है, ये जिसका जो मुझे हलवा बनाना है, और यहाँ पे इतना बचा है जिसकी मुझे चटनी बनानी है। समोसा पेस्ट बन गया। इतना जो बरिस्ता मैंने बचाया हुआ है वो आखिर में पता चलेगा कहाँ जाएगा। तो अभी जो ऑयल में फ्राई किया है अनियन, वही ऑयल यूज़ करेंगे, रिफाइंड ऑयल ही। और अब इसमें जो जाएगा ना तड़का वाला, वो चीज़ है, तो साउथ इंडियन है, केरला है, तो तड़का भी उसी के हिसाब से ही जाएगा। तो कभी लीव्स तो देख ही रहे हैं आप, लिया हुआ मैंने, ये ले लिया मैंने, यहाँ पे गैस ऑन कर दिया, धीमा कर दिया है, तो सारा कुछ ना हाथ पे ही निकाल लेते हैं। तो लेंगे थोड़ा राई, छोटी वाली सरसों जिसको बोलते हैं वो जाएगा, थोड़ा जाएगा बड़ा वाला सरसों, काला सरसों जो बोलते हैं वो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जाएगा जावित्री, थोड़ा सा। तो ये टोटल डिश जो है ना मेरे दिमाग में आई तुरंत, वैसे वैसे बन रही है, तो जावित्री का थोड़ा टुकड़ा जाएगा, एकदम मस्त बेहतरीन लजीज बनने वाला है आज, ठीक है। इसमें से कुछ लेने का नहीं है, ये दोनों ही डब्बा जो मैंने मंगाया है, ये दोनों ही डब्बा मैंने बिल शेयर आते 89 रुपीज़ में लिया है, जो कि चली गई अभी आगे। आज लाइट बहुत जा रही है शाम से, तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया था पूरा, छोटी सरसों, बड़ी सरसों, काली, और थोड़ी से मैंने जावित्री और दालचीनी लिया है। ये करी पत्ता, नारियल जो पीसा हुआ था, प्लेन बिल्कुल धीमा रखना है। मसाला, हल्दी पाउडर ले लिया। अब इसमें जो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा, तो तीखा ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारा मेजरमेंट आप अपने मटन के क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, बस मसाला बेसिक वाला ही जाएगा, मेन तड़का है और नारियल का है, मसाला आपका वही जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से ये भुन रहा है, फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर रखा है। नमक जाएगा, नमक गोश्त में भी डाले हैं तो बहुत नाम बराबर, तो ये भुन गया तो इसी में हम डाल देंगे, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारा मसाला इसमें डाल दिया है, अब इसको अच्छे से भून लेंगे, और जो बरिस्ता हमने बनाया है वो बरिस्ता भी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से धो के भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बरिस्ता को भी मैंने अच्छे से धो के जार से डाल दिया है, सब कुछ इसमें पड़ चुका है, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है फिलहाल अभी के लिए, और इसको बस अच्छे से हमको भूनना है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी देखने को मिलती है। और इसको जो भुनेंगे ना, इसको ढककर भुनेंगे। तो चलो ये अपना, तो जो इतना पसीना हुआ ना उसमें थोड़ी सी हवा ले लेते हैं, फिर बनाएंगे मीठा। यहाँ पे लीली मेरा छोला है, भटूरा आ रहा है, नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ हम खा रहे हैं, और बढ़िया साथ दस बादल, पता नहीं है कि नहीं, बारिश कहीं कहीं बहुत हो रही है लखनऊ में, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है।
यहाँ पे देखिए मसाला अभी मैंने खोला है और ये देखिए कितना अच्छे से मसाला भून गया है। थोड़ा सा और भुनने देंगे 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। अब मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सरफेस पे ऑयल ऑयल आ चुका है। ये देखो ऐसा छेना जैसा हो जाए ना तो समझ जाओ कि मसाला बिल्कुल बढ़िया सा भुन गया। अब इसके अंदर जाएगा हमारा गोश्त, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो कोकोनट मिल्क था ना वो जाएगा, और ये जो बरिस्ता बचाया था इसको ऐसे ना चूरा बनाना है, और इसको अब ये भी जाएगा। ये देखिए ये सब कुछ इसके अंदर चला गया है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। फ्लेम बिल्कुल लो है, आप देख सकते हो लो फ्लेम पे ही ये पकेगा। खाना लो फ्लेम पे इत्मीनान से बनाने में काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। और इसमें अलग से पानी देख सकते हो आपके बिल्कुल नहीं गया है, फुल कोकोनट में ये कुक हुआ, कोकोनट करी कह सकते हैं मटन ग्रेवी का, या ये वैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल मेरे हिसाब से तो भी गला ही है बिल्कुल एकदम, और सब कुछ उसमें मिक्स हो चुका है। गार्निशिंग के लिए ना हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से कोकोनट को ना ऐसे पतला पतला काटेंगे और उसमें डालेंगे ऐसा, इस तरह से बिल्कुल पतली काटना है और आधी आधी इंच की चौड़ाई इस तरह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुक हो चुका, अच्छे से पक गया, मिक्स हो चुका सब कुछ आपस में। और ये यहाँ पे जो वैसे तो कसूरी मेथी डालते हैं, केवड़ा डालते हैं, लेकिन केरला स्टाइल है तो कोकोनट जाएगा इस तरह से, और मिक्स करके फिनी। तो फ्रेंड्स करी पत्ता एक ले आए, अब ऐसे डाल दो तो थोड़ा सा ना देखो ज़्यादा अच्छा लगने लगा ना ऐसा हरा हरा। अच्छा ये है ना कि पानी से धो के तुरंत ही नहीं डालिएगा, पानी से धो के थोड़ा पहले रख के पानी अच्छे से सूख जाए फिर लास्ट में डालिएगा। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे सालन रेडी हो चुका है, अब हम चल रहे हैं बनाने हलवा। गैस ऑन हो चुका, अब इसमें घी लगभग लगभग मैंने 3 बड़ा चम्मच डाला है, अभी कोकोनट है वो भी उसका भी जो ऑयल है ना वो भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना पता नहीं क्यों वॉइस नहीं आ पाई थी, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको फैन, जब मैंने कढ़ाई लिया था ना तो फैन चूरा का ये स्पैचुला भी वुडन का मुझे मिला हुआ था, और यहाँ पे जो घी हमने डाला है ना वो गर्म होने का वेट कर रही थी। और जो रेसिपी मैंने अभी इससे पहले आपको दिखाई है ना केरला स्टाइल, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इतनी गर्मी थी ना किचन में, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया तड़के में इलायची एंड ग्रीन कार्डमम को, ताकि और थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ना ऐसा तड़क जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जब तड़क जाता है ना तो उसका फ्लेवर निकल जाता है, मतलब निकल के आ जाता है। यहाँ पे तड़क गया था तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया, और जो यहाँ पे कोकोनट ग्रेट किया हुआ था, अच्छा ग्रेटर अगर नहीं है तो आप मिक्सर में ऐसे चला देना तो बढ़िया सा वो हो जाता है। तो मेरा अभी मैंने सारा बर्तन वर्तन चेंज कर रहा है ना, तो उसमें ग्रेटर भी मैंने हटा दिया, बहुत पुराना था। तो यहाँ पे फिर घी अच्छे से गर्म हो गया, तड़का डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा जो ग्राइंड किया हुआ कोकोनट था वो डाला है। ये देखिए सारा जो घी था वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये ना नारियल भी अपना घी छोड़ता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस अच्छा सा भुनना है कि इसकी स्मेल आने लगती है। तो आप इसको धीमे आंच पे मैंने भुना है, ताकि थोड़ा मीडियम भी कर दिया था, यहाँ पे बढ़ा दिया था ताकि जल्दी से भुन जाए। तो यहाँ पे देखिए भुन रहा है, महक आनी शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर देखो तो ये कोकोनट हो गया, दूध हो गया, दूध का पाउडर हो गया, ये दूध का पाउडर, ये शुगर। शुगर हम थोड़ा लेंगे क्योंकि दूध का पाउडर जो होता है ना बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, तो इसलिए शुगर हम थोड़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको और भुनना है, बहुत ब्राउन वगैरह नहीं करना है। उसके बाद इतना हो गया काफ़ी है, उसके बाद शुगर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे दूध का पाउडर, अच्छे से डाल देंगे, फ्लेम धीमा कर देंगे और ये दूध भी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा।
अब इस तरह से मिक्स करना है इसको, और जो है कि धीमा फ्लेम देख सकते हैं आपकी मैंने बिल्कुल लो रखा है, और शुगर है, शुगर को मेल्ट होना है तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। दूध का पाउडर है ना, आराम से भून जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं आप, भून रहा है, मैंने इसमें येलो कलर डाल दिया है। अगर केसर है तो आप दूध में ना केसर करके डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह का फूड कलर आप डाल सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। मुझे येलो था, मैंने येलो डाल दिया। और यहाँ देख सकते हैं आप ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा इसमें ऊपर से घी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक चम्मच के जितना। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको थोड़ा और भुनना है कि ये थोड़ा सा तेल जो घी है ना वो छोड़। यहाँ पे बिल्कुल हो गया, देख सकते हैं आप, ये देखिए तो ये डन हो चुका है। अब इसको बंद कर देंगे और उसके बाद जो है कि ड्राई फ्रूट डाल के बस। फिर लास्ट में घी से मैंने किशमिश काजू बादाम से इसमें तड़का लगा दिया, ऐसा बघार दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवा इज़ रेडी।